खबर मोतिहारी से है, जहां जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान मुख्य रूप से सिकराहना, लाल बकैया नदी में बाढ़ की स्थिति, क्षतिग्रस्त सड़कों, नेशनल हाईवे 28A और B की स्थिति, फसल क्षति का अवलोकन किया। वहीं उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित कुल पंचायतों की संख्या 61 है, जिसमें 144 गांव सम्मिलित हैं और कुल 6,12,899 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6,536 व्यक्तियों को निष्क्रमित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 13,606 पॉलीथीन सीट वितरित की गई है। बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया में 4, सुगौनी में 2, मोतिहारी में 2, तेतरिया में 2, मधुबन में 1, फेनहारा में 1, कुल 12 मोटर बोट चलाई जा रही है और 67 नाव चलाई जा रही है, जिसमें 6 सरकारी और 61 निजी नावें हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया, सुगौनी, मोतिहारी, मधुबन, फेनहारा, तेतरिया में भ्रमणशील है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोतिहारी, पकड़ी दयाल, संग्रामपुर में एनडीआरएफ के कैंप संचालित हैं। बाढ़ क्षेत्रों में अभी तक 39 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें भोजन करने वालों की संख्या 21,434 है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त 229 सड़कों में से 30 सड़कों की मरम्मत अभी तक कराई गई है। शेष सड़कों पर पानी के जमाव के कारण पानी हटने के उपरांत मरम्मत कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।